हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं देवरानी जेठानी किचन में हैं और यहाँ पे बन रहे अप्पे की तैयारी कर रही हूँ। और आज साथ में को जाना है तो बहुत ही जल्दी जल्दी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। सो यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ क्योंकि मैं तो ब्रेड ही खाऊंगी और काफ़ी लेट हो चुका था। यहाँ पे अप्पे भी बन रहे हैं। अप्पे की गोल जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा बनाई थी तो बस अप्पे अब बनने लग गए हैं। और फर्स्ट में मैंने बिना धनिया पत्ती वगैरह के ही डाल दिया था क्योंकि स्पॉश रो रहा था खाने के लिए, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना था। और बस मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर से डाल रही हूँ। ऑयल नहीं भी डालो तो भी चल जाता है। बस थोड़ा थोड़ा ऑयल डालने के बाद मेरा थोड़ा गला ख़राब है, सो इस तरह से मेरी आवाज़ आ रही है। एंड दूसरी साइड में मैंने ब्रेड सेक रही हूँ। वो एक साधना खाएगी या फिर स्पॉश, और मैं खाऊँगी दो, मैं खाऊँगी। और बस थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना होता है। और मैं धनिया पत्ती काट रही हूँ अप्पे के घोल में क्योंकि एक बार तो मैं बना चुकी हूँ, सेकंड टाइम में मैं को ना फर्स्ट टाइम जल्दी जल्दी में बना दी। और यहाँ पे मैं सीजर से ही कट करती हूँ क्योंकि बहुत ही बारीक कट होता है इसी वजह से। वैसे नाइफ से भी करती हूँ बट मैं ज़्यादातर यूज़ सीजर ही करती हूँ कुछ भी कट करने में। अगर किचन का कुछ भी रैपर वगैरह कुछ भी डालना होता है, डब्बे में कट करना होता है, तो मैं उसी से कट करती हूँ। धनिया पत्ती डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि प्रॉपर मिक्स हो जाए। एंड उसके बाद अप्पे जो है बहुत बढ़िया वाले बनेंगे। और बस यहाँ पे मैं मिक्स कर ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद यहाँ पे अप्पे के स्टैंड में और साधना डाल रही है, पता नहीं साधना है कि मैं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे क्योंकि मैं भी डाल रही थी, ये साधना डाल रही है, उसके स्वेटर से समझ में आया। एंड ये सारे अप्पे एक एक करके डालने के बाद उसके बाद मैं ना दूसरे काम में लग जाऊंगी। जैसे यहाँ देखिए साइड साइड के अप्पे ना बहुत ही जल्दी थी खाने की, सबको भूख लग गई थी तो यहाँ पे साधना ने ही सारे अप्पे बनाए थे। और बस मैं चली गई थी नहाने के लिए और अभी मैं नहा के आई हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ी देर बाद ना बाहर भी जाना है। यहाँ मैं चाय निकाल रही हूँ क्योंकि साधना जब से आई है ना मैं तब से चाय पीने लगी हूँ और आदत सी हो गई है मुझे ना चाय पीने की। लेकिन मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, पेट में दर्द होने लगता है, तो बस मैं यहाँ पे चाय निकाल रही हूँ। सबने चाय पी लिया है तो मैं सोची कि मैं नहाने के बाद ही मैं पीऊँगी। और यहाँ पे सब्जी के लिए मैंने प्याज मिर्च टमाटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे कट करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। और चाय बस निकाल ले रही हूँ तो मैं सोची कि ये चाय पीने के बाद फिर मैं सब्जी वब्जी बनाऊँगी। तो सब्जी में आज मुझे बनाना है मशरूम और आलू की सब्ज़ी बनाना है। तो साधना ने मशरूम को बॉयल कर दिया था, मतलब बॉयल नहीं, 2 मिनट बस पानी में खौलाओ ना तो उसका जो गंदा होता है ना वो निकल जाता है। नहीं बॉयल करती हूँ तो मन में एक वहम सा रह जाता है कि ये थोड़ा इसमें गंदा सा रह गया। यहाँ पे बस फिर दोबारा मैं ब्रेड सेक रही थी, वो मैंने दे दिया था इन लोगों को। और ये दोबारा ब्रेड फिर से सेक रही हूँ तो बस चाय निकाल लूँ फिर मैं। यहाँ पे साधना चाय पी चुकी थी अप्पे, वो मैंने बोला था कि तुम अप्पे खा लो तो वो नहीं खा रही थी कि भाभी आपके साथ ही खाएंगे। तो बस ये देखिए रेडी है। और उसके बाद मैं आ गई थी चाय पीने के लिए और मैंने साधना को भी 1 कप चाय निकाल दिया था और वो भी मेरे साथ ही बैठ के पिएगी। तो मैं तो मेरे को पता है ना अगर मैं चाय लूँ ना तो चाय में मेरे को बिस्किट और ब्रेड चाहिए, ऐसे मैं चाय कभी पी ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं चाय पीती हूँ तो मुझे बिस्किट चाहिए या फिर ब्रेड चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, नहीं तो मैं पीऊँगी भी नहीं। मैं चाय कम पीती हूँ, उसमें करके ज़्यादा खाती हूँ। एंड साधना भी आ गई है यहाँ पे सोफ़े के पास और वो भी नहा ली थी और ये उसके बाद वो भी चाय ली है तो संपर्क भी मांगने लगा था चाय, तो उसको बाउल में निकाल के दे रही। और वो जब चाय पिएगा तो बाउल में ही पिएगा। और एक मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने बोला था कि दी साधना दी क्यों देती हैं चाय। यहाँ पे देखिए स्पर्श अपने चाचू से पैर अपने दबवा रहा है और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रहा था। तो उसके चाचा जी बैठ के पैर दबा रहे हैं और वो स्माइल कर रहा था और हम सब यहाँ पर हंस रहे थे। तो वो काफ़ी देर से 15-20 मिनट से पैर दबवा रहा था सो के और आराम से इंजॉय कर रहा था। यहाँ देखिए मैंने आलू को फ्राई करके रख लिया था, यहाँ बॉईल हो चुका था मशरूम तो ज़्यादा देर हो गया ना पानी में इसीलिए थोड़ा सा ब्लैक सा पड़ गया, वैसे वो ख़राब नहीं हुआ है। तो प्याज वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने सब्ज़ी बना लिया। देन यहाँ पे आ गई थी और ये गए थे बाहर कुछ सामान वामान लाने के लिए, जैसे साधना को जाना है ना तो उसके लिए संपर्क के लिए लड्डू पॉपकॉर्न बिस्किट का पैकेट और ये बिस्किट था। और एक साधना को भी पसंद आने लगा है बेकरी बिस्किट तो उसके लिए एक बेकरी बिस्किट लाए थे, मूँगफली लाए थे। तो मूँगफली तो हाफ़ इसमें से करके दे दूँगी उन लोगों को ट्रेन में खाने के लिए।
और ये बोले कि पूरा ले लो, तो संपर्क बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए इतनी सारी मूंगफली। और क्या बोले थे, स्वीट्स बोले थे, तो स्वीट्स के पहले जो आया था ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था संपर्क को भी और साधना को भी, तो मैंने बोला था कि आप स्वीट्स भी लेते आना, तो स्वीट्स भी लेते आए हैं ये लोग, लेके जाएंगे फिर खाएंगे भी। मतलब कोई चीज़ पसंद होना तो ऐसा लगता है कि वो और भी खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ पर मैं आई हूँ हेलमेट लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, क्योंकि उस टाइम से ना मुझे डर लगता है जब भी मैं बाहर निकलती ना, अजीब सा डर लगता है कि फिर अभी तो फ्रैक्चर है ही मेरे फेस पे और स्वेलिंग भी है, बट ऐसा लगता है कि ले लो तो अच्छा है। तो बस ये बोले ना कि ये वाला सही है, तो पहले वाला जो इनका है ना वो मैं यूज़ करूँगी, और ये इनको मैं बोली कि आप दूसरा ले लो। पहले तो मैं सोची कि मैं कलरफुल लूँ, लेकिन फिर सोची यार कलरफुल ले तो लूँगी लेकिन मेरे को उतना निकलना तो है नहीं, ठीक है, तो फिर वो यूज़ नहीं होगा। और ऐसा मैं लेती हूँ ना तो कोई भी यूज़ कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे जैसे देवर आए हैं, फिर कोई भी मेरा भाई आया है तो वो भी यूज़ कर सकता है। तो इसी वजह से मैंने ना ये ब्लैक टाइप में ही, इसी टाइप में लिया, कलरफुल लेने का कोई बस फैशन हो जाता है लेकिन वो फिर रखा रहता। तो इसमें से मैं एक सेलेक्ट करूँगी, इनको मैंने बोले कि आप ये जो लिए हैं वही वाला, ये उसी टाइप वाला लेंगे। और बस यहाँ से हम लेने के बाद हम जाएंगे फिर कपड़े देखने के लिए, तो बस यहाँ पे हमने ले लिया है पेमेंट वगैरह करने के बाद। यहाँ हम कपड़े देखने आ गए थे, संपर्क के लिए मुझे कपड़े लेने हैं और साधना के लिए भी लेने हैं। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कपड़े, और मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे। एक्चुअली मैं जितना भी आपकी शॉपिंग करती हूँ इसी शॉप से करती हूँ, और इन लोगों को पता भी है कि मैं यहाँ की वीडियो क्लिप वगैरह मतलब बनाती हूँ, इनको पता है भैया को कि मेरा चैनल भी है, सो यहाँ की क्लिप मैं थोड़ा सा बना रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली साधना को मैंने बहुत सारे ड्रेसेस, अगर मतलब दो चार ड्रेसेस दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लेना था। वैसे वो बहुत मना कि भाभी मैं जब आऊँगी तो कपड़े देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे मन नहीं मान रहा था, और ये भी बोल रहे थे कि नहीं चलो ले लेते हैं। इसके पहले तक ना मुझे टाइम ही नहीं मिला था, मैं घर पर आ चुकी थी और तबीयत भी ठीक नहीं था, शिफ्टिंग के चक्कर में मैं बाहर जा ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था कि इस बार मैं साधना को बहुत कुछ दिलाऊँगी, लेकिन कुछ नहीं दिला पाई। पता नहीं मतलब टाइम ही वैसा था ना कि मैं कुछ नहीं मतलब कर पाई उसके लिए, लेकिन बस जो मुझे उसे देना था मैंने दे दिया। यहाँ पे साधना मोबाइल में बिज़ी है, एंड मैं बेड खोली हुई थी क्योंकि बेड से मुझे कुछ निकालना था साधना को देने के लिए, तो वो मैं बेड खोल रही थी, ढूंढ भी रही थी कुछ संपर्क के लिए। मैंने कुछ ड्रेसेस खरीद के पहले से रखे थे, तो वो बस ना शादी के उस टाइम घर पर गई थी, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। मैं जीन्स वगैरह विशाल गई थी ना तो मैं लेके आई थी पहले से ही, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं, शिफ्टिंग के चक्कर में ना इधर उधर हो गया। तो बस मैं उसे बोली ना कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, मतलब घर वर पे जब भी मिलेंगे तो मैं संपर्क के लिए मैं लेके आऊँगी। और वैसे संपर्क के लिए हमने स्वेटर लिया है, और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा ये लोग मस्ती कर रहे हैं, और मैं बेड खोली हुई थी ना तो बस इधर उधर लगा हुआ है, देखिए इस फर्श को, तो एक करता है ना तो दोनों करता है, दोनों बहुत बहुत बदमाशी करते हैं, मतलब हम संभाल नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है हमारे साथ, हम दो लोग हैं ना फिर भी संभाल नहीं पाते हैं, इन लोगों की बदमाशी में ही हम शांत कराने में ही रह जाते हैं। तो बस मैंने बेड को अब बंद कर दिया है, और ये ईजी होता है मुझे खोलना, बहुत ईजी है, बस उठाओ ऐसे और खोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि उसमें से कुछ, मतलब ऐसे होता है ना कि बॉक्सेस टाइप के चार बॉक्सेस दिए होते, वैसे नहीं, बस टू पार्ट में है। यहाँ पे मैंने जो कुर्ती लेके आई हूँ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बाद में उसके फिर प्राइस पूछते हो कि दीदी खाना दिखाना, तो इसी वजह से मैं सोची ना कि चलो मैं आप लोग को आज ही दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं साधना को दिखा रही थी, साधना बोली भाभी बहुत अच्छा है, तो उसको पसंद भी आया, और ये है साधना की कुर्ती। और कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और बस ये ब्लू कलर में है, और मेरा जो है ना मैं अपने लिए भी एक ले ली, पसंद आ गया मुझे, तो मैं सोची क्योंकि ये करवा चौथ में मुझे कपड़े नहीं दिलाए थे ना, तो वो मैं बोली कि दिला दो, या करवा चौथ का भी दिला दो उसके नाम पे ही, जो आपने नहीं दिलाए थे वो लेकर चल ले लो। तो फिर इन्होंने दिला दिया मुझे एक कुर्ती, और साथ में प्लाजो सेट है, तो ये इस टाइप से बांधने वाला है, वही मैं साधना को दिखा रही हूँ कि ऐसे बांध लेना, और ये मतलब बहुत मुझे पसंद आया। और ये दोनों ना जो मेरा है और साधना का बिल्कुल सेम सेम है, प्लाजो सेम है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंस है और थोड़ा सा डिज़ाइन। और प्राइस प्राइस बताऊं तो इसका है 1500 कुछ था, लेकिन मुझे 1450 के आसपास ये पड़ा था एक सेट। तो बस ये मेरा भी सेम है, ये देखिए मेरा प्लाजो येलो एंड साधना का रेड, और मैं प्लाजो नहीं डालती हूँ बट फर्स्ट टाइम मैंने लिया। और इस टाइम पे यहाँ पे ना विंटर वाले ही सूट मिलते हैं, समर वाले बहुत कम मिलते हैं, तो बस मेरे को अच्छा सा मिल गया तो मैंने ले लिया। अभी मार्च से, फरवरी मार्च से ही यहाँ पे ना समर वाले मिलेंगे। तो ये देखिए साधना की कुर्ती,
और कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा था कपड़ा। और मुझे ये भी पसंद आया था, लेकिन मेरे पास क्या है ना, ब्लू कलर की कुर्ती बहुत सारी है तो मैं नहीं ले सकती थी। और मैंने ग्रीन वाली जो मैंने खुद के लिए लिया है उसमें का मैं साधना के लिए ढूंढ रही थी, बट उसमें का साइज़ नहीं था, तो बस मैंने लार्ज लिया है अपने लिए। और उसमें का ना एम साइज़ था ही नहीं, ये ग्रीन वाला जो मैं ली हुई हूँ हाथ में ये मेरा है। तो वैसे साधना बोली कि भाभी ये वाला भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे बैग भी रेडी है, और साथ में पैकिंग, मैं ना गई थी शॉपिंग करने, उसी बीच में वो सारा पैकिंग कर ली थी। थोड़ा बहुत जो रह गया है ना वो बस रखना है, तो स्वेटर्स वगैरह वो अपने स्वेटर भी चेंज कर रही है। और ये वाला अभी शायद कुर्ती वगैरह भी चेंज करेगी, तो अभी उसने चेंज नहीं किया, बट मैं बोली कि स्वेटर तो कम से कम मोटा वाला डाल लो जिससे ठंड ना लगे। और इस टाइम पर मैं बोली ना कि फैश, पता है फैशन वैशन कुछ नहीं, कि अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं, इतनी सर्दी है ना कि बस ठंड से बच जाओ ना, वो बहुत होता है। ठंड नहीं लगनी चाहिए इंसान को, चाहे वो पुराना पहने नया पहने, ऐसा होता है। तो बस मैं बोली ना कि तुम अगर डेली यूज़ में भी जो स्वेटर डालती हो ना उसको भी पहन के चले जाओ, अगर उसमें तुमको ठंड कम लगती है, क्योंकि फैशन ना बाबा ठंडियों में फैशन नहीं, क्योंकि ठंडी लग जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, तो इसी वजह से। और यहाँ पर उसने पर्स भी उसका रेडी है, और थोड़ी बहुत जो पैकिंग थी वो बस लास्ट लास्ट था, और जो कपड़े सूखने हैं ना वो सूख जाएंगे, फिर वो भी उसको पैक कर लेगी। यहाँ पे मैंने बोला साधना से कि साधना कुछ बोल दो कैमरे के सामने, अब वो बार बार बोलती हूँ ना कि साधना कुछ बोलने को बोलो, वो नहीं बोलती है। तो नेक्स्ट टाइम, वैसे ना इसने साधना ने बोला था कि मैं बोलना, बट टाइम ही नहीं मिला, तो उसने बोला ना कि भाभी अगर आपके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं तो मैं वहाँ से क्लिप बना के भेजूंगी, तो उसमें मैं ज़रूर बोल दूंगी, तो बस आप लोग वेट कर लीजिए, वो जब भेजेगी तब वो आप लोग सुन लेना उसकी आवाज़, वो खुद ब खुद बोल के और आप लोगों से हाई करके, आप लोगों से बात करके अपनी क्लिप भेजेगी, मतलब आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आप लोग के सारे कॉमेंट्स वो रीड करती है। यहाँ से साइड से कपड़े लेके आ रही थी, और देखिए घड़ी में बज रहे हैं 4, ये बैठे हुए थे चुपचाप टीवी देख रहे थे। और यहाँ पे जो पैकिंग थी वो चल रही थी, यहाँ संपर्क स्पर्श। तो अब देखिए जब साधना भेजेगी तब मैं आप लोगों को वो क्लिप ऐड कर दूंगी वीडियो में, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगेगा। उसने खुद बोला है तो मैंने भी आप लोगों से ये बात बोल दी, आप लोग के सारे कमेंट्स वो रीड करती है, और वो उसको बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स रीड करके। देन किचन में आ गई थी मैं, और किचन में मैं बनाने लगी हूँ पैक करने के लिए, जो रोटी होता है ना वो मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा निकाल रही हूँ मैं, और साधना को ले जाने के लिए जो खाना पैक करना था वो मैं आ गई हूँ बनाने के लिए। तो मैं पराठे, मैंने पूछा कि पराठे ले जाओगे कि रोटी ले जाओगे, तो बोली कि पराठे ले जाऊंगी और रोटी दोनों। यहाँ पे मुझे थोड़ा फोल्ड करना पड़ता है, नहीं तो इनर वगैरह में ना लग जाता है आटा वगैरह, और कंफर्टेबल भी फील नहीं होता है, मतलब ऐसा लगता है क्या, मतलब इसलिए मैं हमेशा ऊपर कर लेती हूँ फोल्ड करके। और बस मैं यहाँ पराठे बनाने लगी हूँ, और साधना भी थोड़ा बिजी थी, और आज के दिन तो बहुत ही कम मैंने वीडियो बनाया, मैं सच बता रही हूँ। तो फटाफट फटाफट मैंने सुबह थोड़ा शूट किया था, फिर वहाँ गई तो मैं थोड़ा सा ही बनाई थी क्लिप, उसके बाद बस शाम का ही 4 बजे के आसपास का। और यहाँ पर साधना बोतल वगैरह जो था ना उसको वॉश करके रखी थी, तो उसको बस उसको ड्राई करके और पानी जो भरना होगा भरेगी। और ये एक बाउल लेके आई थी, वो बाउल और एक प्लेट्स लेके आई थी संपर्क के लिए ट्रेन में के लिए, तो बस उसको अच्छे से ड्राई करके और बैग में डाल लेगी, ताकि मॉइस्चर ना रहे, मॉइस्चर रहता है तो फिर कपड़े भी तो होते हैं ना बैग में, तो बस इसी वजह से। Thank you.
हाँ मैं बना रही थी ट्रायंगल पराठे, और मैं ट्रायंगल पराठे ही ज़्यादा बनाती हूँ बिकॉज मुझे ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, स्क्वायर वाले उतने पसंद नहीं होते हैं, राउंड वाले भी मुझे उतने पसंद नहीं होते हैं, ट्रायंगल मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं पैक करने लगी थी साधना का खाना, तो जो बॉक्सेस थे ना, जैसे स्वीट्स वाले बॉक्स होते हैं या फिर कुछ भी लेके आओ, तो वो बॉक्स जो बचे होते हैं उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, और एक्चुअली ये वाला तो साधना ही लेके आई थी उधर से, तो वो वॉश करके रख दिए थे। तो इसमें ना कहीं भी खाना ले जाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं पराठे को ऐसे, उसने मैंने पूछा कि एल्युमिनियम फॉइल में डालूँ या फिर ऐसे ही, तो उसने बोला एल्युमिनियम फॉइल में डाल दीजिए भाभी। तो बस मैंने ऐसे रोल करके पराठे दो ऐसे ऐसे कर दिए हैं मैंने, और उसके बाद रोटी भी, क्योंकि संपर्क का कुछ पता नहीं कि वो रोटी खाएगा पराठे खाएगा, और वो कोई भी चीज़ ना होना तो फिर वो रोने लगता है। तो इसी वजह से साधना ने रोटी बोला था, रोटी को मैं इस तरीके से ना डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर ईजिली आ जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा ऊंचा सा था, मतलब ये जो डब्बा है, तो इसी वजह से मैं इसमें रोटी रख रही हूँ। रोटी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैंने रख दिया है, रोटी पराठे ये पैक हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, और ये डब्बा बहुत ही यूज़फुल होता है यार। अगर आप लोग के पास भी मतलब रहता है ना, तो उसको रखो, कहीं ट्रैवल में जाने में बहुत ही अच्छा लगता है और रहता भी, और इसको अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इसको फेंक दो अगर ले जाते हो। देखिए बहुत ही अच्छे से पैक हो गया है। एंड देन मैं साधना को बता रही थी कि मैंने ऊपर रोटी रख दिया है और जो भी है पराठा नीचे रख दी हूँ। उसके बाद मैंने सब्जी का भी पूछा, साधना ने बोला जी भी आप एल्युमिनियम फॉइल में ही डालो, क्योंकि ना बिल्कुल ठंडी का मौसम है और एकदम ठंडा सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे बिछा दे रही हूँ इसमें एल्युमिनियम फॉइल, और देन मैं इसमें सब्जी डाल दे रही हूँ, और उसके बाद अचार भी रख दूँगी। तो साधना ने बोला कोई भी अचार रख दो, तो बस मैं इसमें अचार भी रख दूँगी। थोड़ा सा होता है ना ट्रेन में चटपटा सा, सब्जी खाने का मन नहीं होता, वैसे भी ट्रेन में खाना खाने का तो मन होता नहीं है, थोड़ा सा चटपटा रहता है, तो कुछ रोटी भी खा लो ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही करके अचार भी डाल दिया और साइड में उसको रख दी मैं, उसके बाद में इसको अच्छे से पैक कर दूँगी, और बहुत ही अच्छे से पैक हो जाता है, बिल्कुल भी गिरने उड़ने के ना चांसेस नहीं रहते हैं इन सारे बॉक्सेस में। तो बस ये साधना का जो खाना है वो ट्रेन के लिए रेडी हो गया, और वो कल सुबह पहुँच भी जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मतलब सुबह 10-10:30 के आसपास वो पहुँच जाएगी, और अभी शाम को वो निकल रही है 6:30 के आसपास वो निकल जाएगी बस। तो यहाँ पे उसका बैग रेडी हो चुका है, और वो भी ड्रेस चेंज कर ली थी अपना, और देन मैं जो भी चीज़ें देनी थी मूँगफली वगैरह जो भी थी वो सब मैं पैक करके साधना को देते जा रही थी बैग में रखने के लिए, और यहाँ बस वो रेडी हो रही है। और मैं पूछ रही थी कि पानी में, मतलब इस बॉटल में पानी रख दूँ ना रखूँ, तो बोली कि भाभी रख दीजिए, वैसे उसने 2-3 बॉटल में पानी लिया है। तो बस यहाँ पे वो तैयार हो रही थी, लिप बाम वगैरह लगा रही थी, और ये वाली कुर्ती वो डाल के जा रही है, और यहाँ पे हमारे घर में और भी कपड़े पहले बीच में ठीक हो गए थे ना और फैल गए हैं, तो बस मैं कल इसको आराम से ठीक कर दूँगी, आज रात को नहीं तो कल मैं ठीक करूँगी सारे कपड़े। यहाँ पे साधना लिपस्टिक मांग रही थी कि भाभी कोई लिपस्टिक अपना दे दो मुझे लगाने के लिए, तो बस मैं वहीं उसको दिखा रही थी जो मैं डेली में मैं लगाती हूँ। यहाँ पे बस सब कुछ रेडी हो चुका था, बस निकलना था, और वो जो ब्रीफ केस देख रहा है ना, वो ब्रीफ केस मेरा है एक्चुअली। कल ना हमें जब जाना था ना, तो सामान ढूंढते ढूंढते ना उसको मैं बेड से निकाल दी थी, बस लास्ट टाइम है साधना से आप लोग मिल लो, पता नहीं फिर कब ब्लॉग्स में आएगी पता नहीं। यहाँ पे नेल पेंट लगा रही है, और बस मुझे ना बहुत ही बुरा लग रहा था, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि ना हम काफ़ी अच्छे से रहते हैं, और मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा जब साधना चली जाएगी, तो 3-4 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। और बस यहाँ से जाने के बाद वो अपने मायके जाएगी, मतलब भोपाल में ही उसका मायका है, तो पहले तो मायका ही जाएगी, उसके बाद फिर जहाँ रहती है वहाँ जाएगी। यहाँ पे मिल्क भी भर के मैंने दे दिया था, क्योंकि एक बोतल मिल्क कहीं रोने लगा नहीं मिला तो फिर हालत ख़राब हो जाती, इतना भयंकर वाला रोता है ना ये पूछो नहीं। और बस उसका कॉम कर रही थी, और इसने जो स्वेटर डाला है ना, ये हम लोग लेके आए थे, तो बहुत ज़्यादा खुश था संपर्क, बोलता बड़े पापा लेके आए हैं स्वेटर, और उसको बहुत पसंद आया, और सेम एकदम सेम स्पर्श के पास भी है, इसी वजह से हमने ये ले लिया था कि दोनों लोग का मैचिंग हो जाएगा, स्पर्श का भी और इसका। तो बस स्पर्श के पास भी बिल्कुल सेम है, पता नहीं वो डाला है नहीं डाला, अभी तक डाला भी नहीं है शायद, 2-3 स्वेटर ना उसके नए नए रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे हम दोनों सब लोग रेडी हो गए थे, यहाँ पे अभी कपड़े पड़े हैं, तो बस मैं इसको बाद में ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि रिलैक्स करने का मन हो रहा था, मतलब थोड़ा सा आराम से बैठ के बातें कर लो, कपड़े तो बाद में भी ठीक करते रहोगे। तो बस यहाँ पे हम सब बातें मिल के बातें कर रहे थे, और ये थोड़ा सा बाहर गए हुए थे कुछ लेके आना था, और ये मोमेंट है लास्ट जो हम सब, मतलब बहुत अच्छा लगता है, हम बातें बातें करते हैं ना, हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होती, लेकिन फ़ोन पर भी हम बात करते हैं ना, आधा घंटा 1 घंटा हमें बोलना पड़ता है कि अब रखते हैं बस, ऐसा हो जाता है, नहीं तो हमारा फ़ोन भी ना कभी कट ही नहीं होता है। यहाँ पे बस लास्ट में साधना दिख रही है, अब निकल रही है घर से, और बस ये लोग
ये आ चुके हैं बाहर से, और बाय की, और उसके बाद फिर ये बाय एक्चुअली नहीं कि मैंने बोला था, वो ना क्लिप कट गया है शायद मेरे से ना एडिटिंग के टाइम में, बस ये लोग निकल रहे हैं और बस सीढ़ियों से बाहर, उसके बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया लास्ट लास्ट में, और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बस हो गई साधना की विदाई देवरानी जी की, बाय, ठीक है।